सभी का पलपल न्यूज चैनल में। मैं हूं निशा खन्ना, कैमरा सहयोगी दीपक सोनी के साथ। आज हम पलपल के विशेष इंटरव्यू में जुड़े हैं, तो हमारे साथ सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार महावीर वेद प्रकाश जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, कोरोना को लेकर उनकी क्या राय है, क्या पहले अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे चैनल में सबसे पहले हमारी टीम आपका स्वागत करती है। आपका भी यहाँ आने पर स्वागत है। सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम तो वैद्य महावीर प्रसाद है, जो कोई सही नहीं लेता, वेद प्रकाश ज्यादा कहते हैं। मेरा नाम वैद्य महावीर प्रसाद है और वैद्य इसलिए लगाता हूँ कि मैं वैद्य हूँ। पिछले काफ़ी सालों से मैंने काम छोड़ा हुआ है, अब पत्रकारिता में रहा था, पत्रकारिता भी छोड़े 20-22 साल हुए मेरे को। मेरा सीधा साधा जीवन है, कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है। पत्रकारिता में रहते हुए काफ़ी काम किया है और शहर के लोग जानते हैं। मैं वर्तमान में श्री गणेश रघुराज मंदिर नाम से एक मंदिर है, उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। लोगों की धार्मिक आस्था उसमें है, लोग आते जाते हैं और मेरा भी ज़्यादातर वहीं आना जाना है। आज बात रही कोरोना की जी, कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक वेद हो, आपको सभी चीज़ों का पता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो कोरोना के बारे में हमें ये जानना चाहिए भी कोरोना है क्या जी, और ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की बदकिस्मती है कि आज तक कोरोना का किसी ने था नहीं पाया। कहने को तरह तरह के टेस्ट करते हैं और करते हैं, कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है। अब हमें यह नहीं पता कि नेगेटिव ये कैसे कहते हैं और पॉजिटिव ये कैसे कहते हैं, जब जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं, कोरोना के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे। अब इस कोरोना के लिए जगह 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 रिसर्च हो रहे हैं तो कुछ मिल जाए, पर आज तक कुछ नहीं मिला। पर आयुर्वेद में इसका इलाज है, आयुर्वेद में कोरोना से मिलती जुलती बीमारियां, जिसको हम विषम ज्वर कहते हैं, विषम ज्वर जो है इसी का एक हिस्सा है, और ये गर्म चीज़ों से जल्दी काबू में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग गरम सुबह गरम काढ़ा पीते हैं, गरम पानी पीते हैं या गरम चीज़ें खाते हैं, हल्का फुल्का खाना भी घर का खाते हैं बाहर का नहीं, जो एसी में नहीं रहते, एसी भी इसके लिए नुकसानदेह, वही लोग इस बचना चाहेंगे और बचेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था, एक आदमी ने हजारों पैकेट काढ़े के बना बना करके बेच दिए और उसकी और डिमांड आई है। वो डिमांड क्यों आई कि उनको रिलीफ मिला है। कोरोना वायरस जैसी पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी आई हो जिसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। मैं तो एक मजाक में बच्चों को कहता हूँ कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, अब प्रचारित हो गया लॉकडाउन क्या है, पहले लोगों को पता ही नहीं था लॉकडाउन होता क्या है। ये स्थिति है कि सारी दुनिया चाइना के वुहान से ये चला, और ये जो लोग शंका करते हैं, मैं भी यही शंका करता हूँ, ये चीन की कोई ना कोई शरारत है जिसने इस वायरस को पैदा किया, पैदा तो कर लिया, उसके कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी वो वुहान से आगे नहीं बढ़े उनके, क्योंकि उनको उसकी तोड़ का पता था। मेरे पास वुहान का ही एक मैसेज आया है, तो उसमें मेरे को
मैसेज व्हाट्सएप के जरिए बताया है कि मैं वुहान में काम करता हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। इस वायरस का तोड़ जो है सुबह शाम गर्म पानी पीना, काढ़ा लेना और हल्दी दूध में डाल करके पीना। हल्दी और नमक दोनों गर्म पानी में डाल करके उसके गरारे करना देना। यही इसका इलाज है। चाइना में भी यही इलाज है और कोई इलाज नहीं। इस इलाज को लगातार करते रहोगे तो कोरोना वायरस कहीं नहीं रहेगा। और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करता हूँ कि इसने हिंदुस्तान को बचा लिया। और हिंदुस्तान का बचा इसलिए के लिया के लोग ज़्यादातर हिंदुस्तान में मोदी की कदर करते हैं और मोदी की बात को मानते हैं। 10% ऐसे भी होंगे जो लॉजिक को मानते हैं। लॉजिक से कोई भी बात की जाए तो उसको हर आदमी को मानना पड़ता है। यही बात मोदी ने कही है और मोदी के कारण ये कोरोना भी कंट्रोल में आया है और हिंदुस्तान भी बचा है। उसके अलावा जो लॉकडाउन का मतलब मोदी ने शुरू में कहा था कि इस कोरोना वायरस की चैन को तोड़ना है। चैन के तोड़ने का मतलब यही है कि ये आगे से आगे फैमिली में ना फैले। अगर ये फैमिली में फैलना शुरू हो गया तो इसका कोई अंत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। लॉकडाउन करके इसने लोगों को घरों में रोका है और रोक करके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। हरियाणा का ले लो, हरियाणा में नाम मात्र का कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। और कोरोना उनके है जो लापरवाही करते हैं, कहना नहीं मानते। कुछ लोग तो मैं देखा है जब लॉकडाउन खुलता है तो बिला मतलब मोटरसाइकिल लेकर के देख के आते हैं बाजार में क्या हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ और परिवार के साथ साथ पूरे समाज को बचाओ। मैं अपनी चिंता करूंगा तो परिवार की चिंता हो जाएगी और परिवार की चिंता होगी तो समाज की चिंता हो जाएगी। ये मेरे को देख करके दूसरा करे, दूसरे को देख करके तीसरा करे, तब जा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, बाहर की चीज़ें खाने पीने बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, काढ़े का इस्तेमाल कर देना चाहिए। काढ़े में पिपली है, तुलसी है, गिलोय है, आपका ये इसका दालचीनी है, इस तरह के 5-7 चीज़ें हमारे घरेलू हर घर में मिल जाती है चीज़ें। इसको अच्छी तरह उबाल करके इसका काढ़ा सभी परिवार के लोग पिए और दिन में कम से कम 2 बार हल्दी डाल करके दूध पिए। हल्दी और नमक मिला करके उसके कुल्ले करें, गरारे करें। सबसे बड़ी चीज़ है गले को रोकने से बचाएं। सीधा कोरोना का अटैक हमारे गले पर होता है। गले पर जब हम हल्दी का और सेंधे नमक का मिक्स पानी का गरारा करेंगे, गर्म पानी का, तो वो कोरोना जो है मर जाएगा और मर के पेट के जरिए निकल जाएगा। गले से नीचे निकलने के बाद कोरोना कोई असर नहीं करता बिल्कुल भी। कोरोना असर करता सिर्फ गले पर अटैक कर, गले पर अपने कैविटियाँ बना करके उसके बाद में यह गले को रोक करके और फिर सांस को रोकता है, फेफड़े पर असर करता है, पेट में इसका कोई असर नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है, बेनती है, प्रार्थना है कि आप लोग कोरोना से बचने के लिए, दवाई तो आज तक कोई निकली नहीं, ये परहेज जो मैंने बताए हैं, गर्म खाना, घर का खाना, बाजार की फालतू चीज़ें बिल्कुल मत नहीं, मास्क लगाओ तो हर 6 घंटे के बाद उसको बदल दो और उसको खुले में मत रखो, उसको डस्टबिन में डालो और डस्टबिन में जो कूड़ा है तो उसको उठा के ले जाए या उसको जला दो, ये इसका इलाज है। दूसरा, जो मास्क नहीं लगाते मेरे वाले तरह ये एगोचा जो है ये सबसे बड़ी है,
आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी ऐसा ही अंगोछा गले में लपेटा हुआ है और नाक मुंह को ढक करके चलते हैं। ये सबसे बढ़िया इलाज है हमारे बचाव का, समाज को बचाने का, इससे बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जब तक ये वायरस के लिए कोई ना कोई वैक्सीन निकलेगी तब तक हमारा, अगर जो हम नहीं वो प्रेज करेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अरे कोई गारंटी नहीं कि इसकी वैक्सीन कोई निकले या ना निकले। मैं इस विचार का हूँ कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं, अब मेरे को कोई यहाँ से कह दे कि भगत सिंह चौक जाना है, जब मेरे को रास्ता ही नहीं पता तो भगत सिंह चौक पुल तो हुआ कैसे। कोरोना के बारे में हमें हमारी रीडिंग नहीं है तो उसकी वैक्सीन कौन तैयार कर रहा है, कैसी तैयार कर रहा है। तो सबसे बड़ी वैक्सीन हमारी यह है कि हम परहेज करें, घर में रहें, मास्क लगा के रखें। मैं पहले खुद को बचाऊंगा, फिर मेरे परिवार को बचाऊंगा, और मेरे परिवार को बचाने के बाद समाज को बचाऊंगा। यही सबसे बढ़िया दवाई है, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं, चाहे कोई कितना ही कुछ कहे। सर जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, पहले के मुताबिक देखे और अब लॉकडाउन के मुताबिक देखे, तो कितने चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिला है? बदलाव ये है कि शुरू शुरू में दुनिया को किसी को कुछ नहीं पता था, सारे घबराहट में आ गए, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, अरे सारे लॉकडाउन में आ गए। और पहली बार ये देखा है कि सारे के सारे अपने अपने मकानों में बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई। परंतु दूसरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब तक सरकार ने भी, ऑफिसरों ने भी, लोगों ने भी रीडिंग ले ली कि यूं बंद करना ठीक नहीं है और कोई औचित्य भी नहीं है। क्यों? इससे सड़क पर एक ट्रक जा रहा है, और उसको रुकावट नहीं करे तो ट्रक में सामान है इधर उधर ले जाने का और का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दुकानें खुलने का है, डिस्टेंस रखो, जिसने बताया है कि कम से कम 2-3 मीटर दूरी रखो, ये जरूरी है। अब धीरे एकदम तो पूरी की पूरी दुनिया बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक आदमी को खाने के लिए भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये धीरे धीरे लॉकडाउन जो खुल रहा है ये ठीक खुल रहा है, पर इसमें हमें सावधानी करनी चाहिए कि हम डिस्टेंस रखें, दूरी रखें और मास्क रखें, जितना ज़्यादा बचाव उसके रखें। अगर जितना ज़्यादा बचाव में रखेंगे तो रेलगाड़ियाँ चाहे हवाई जहाज या कुछ भी है, इनको धीरे धीरे चलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लॉकडाउन का कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन का तो हम परहेज करें। कल मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन के साथ रहने की आदत डालो, वो बात ठीक है, इससे बचाव करो और साथ डालो। जैसे कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या पहले भी ऐसी कोई बीमारी आई थी कि इतनी सुविधाएं होने के बाद इतना सब अलग अलग चीज है, इतना सब सुविधाएं मिलने के बाद भी जो लोग हैं सुविधाओं उनको नहीं मिलेगी, घर में एक तरह से बंद रह जाएगी, तो इस पर आपकी क्या? जहाँ तक इस बीमारी का मेरे तजर्बे का सवाल है, ऐसी आज तक कोई बीमारी नहीं, मेरे होश संभालने के बाद कोई ऐसी बीमारी नहीं। एक चेचक हुई थी, चेचक में लोग मरे थे, ये 55-56 की बात है, काफ़ी लोग मरे थे, पर इस तरह की स्थिति नहीं आई कि हम लॉकडाउन में बिल्कुल घर में बंद हो गए। क्यों? कि वायरस ऐसा है, किसी के बारे में, किसी को भी कोरोना के बारे में पूरी अच्छी तरह से रीडिंग नहीं है, रीडिंग ना होने तब शुरू शुरू में कहा कि ये उड़ता नहीं, हवा में नहीं आता, जमीन पर ही मार करता है, किसी के सहारे आगे बढ़ता है। फिर ये कहा मास्क लगाओ, मास्क जो बीमार है उसको लगाओ, दूसरों को नहीं। फिर बाद में कहा कि सभी लगाओ। तो ये बातें अंदाजे हैं बचाव करने के, जितना ज़्यादा बचाव हो जाए उतना बढ़िया है। और लॉकडाउन अब जो धीरे धीरे इसमें ढील दी जा रही है, तो ढील देने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को रोक नहीं सकते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बचाव करते हुए, इस तरह सरसा में ले लो बाजार में,
एक साइड की दुकानें खुलती रहे, एक साइड की बंद होती है। क्यों किया है कि एकदम रश ना हो, दूसरा ट्रैफिक जो है दूसरी साइड में रुक जाए, इधर का मोटरसाइकिल इधर रुक जाए, इधर का मोटरसाइकिल इधर रुक जाए, दूसरा लोगों को समझाया जाए भाई दूरी रखो, अगर 2 मीटर की दूरी रखोगे तो तुम्हारे काम के लिए कही गई है, तुम्हारी जान बचाने के लिए कही जाए, किसी और के लिए नहीं। अगर तुम किसी बात से इफेक्टिव होगे, घर जाओगे, तुम्हारा परिवार इफेक्टिव होगा, तुम्हारा परिवार इफेक्टिव होगा तो समाज इफेक्टिव होगा। अभी कल परसों की बात है, यहाँ शिवनगर में नज़दीकी कोरोना का चर्चा आया, वो भगवान का शुक्र है कि टेस्ट में वो पास हो गया, नेगेटिव निकला, अच्छी बात है। तो अगर वो उसको पता, उसके कारण कम से कम भी 125 लोगों को परेशान होना पड़ा, और 125 लोग वो हैं जो उससे हिस्ट्री पूछ करके, उस लड़के है जिसके कोरोना का चर्चा आया उसके पास जा कर के बात करी तो 36 लोगों का उसने नाम बताया कि इन लोगों से मैं मिला हूँ या वो मेरे से मिले। फिर उनसे आगे बात करी तो काउंसलिंग आगे से आगे करके 125 के करीब नाम आए। अब एक आदमी के लिए 125 लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ा, परेशान हुए। इधर हमारे ही नहीं से सारे एरिए में मेडिकल वाले लोग आए, ANM आई, नर्स आई, हिस्ट्री बना के ले गई, कोई बीमार तो नहीं है, कितने मेंबर है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे, सारी डिटेल बना के ले गई। इसलिए बना के ले गई कि कोरोना का कहीं आगे फैलाव ना हो। ये सावधानी, ये एहतियाती बढ़िया है। और अब लॉकडाउन आगे धीरे धीरे और खुलेगा तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना बचाव करें, अपने बचाव के साथ अपने परिवार का बचाव करें। ये ना करें, क्या होता है, क्या होता है वहाँ गड़बड़ है। जिसके दिमाग में ये आ गई क्या होता है, वो पूरे समाज को मरवा देगा। क्यों कि वो लापरवाह आदमी है। इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए, समाज को, समाज की चिंता करके आगे होना चाहिए। मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, मेरे कारण समाज सुस्त रह सकता है और मेरे कारण बीमार हो सकता है। तो इस नाते से मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर विपता आई है, और इस महामारी से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है। और बचने का तरीका कोई दवाई नहीं है, दवाई हमारी आयुर्वेद में काढ़ा है। काढ़ा आप सवेरे सवेरे गर्म उबाल करके उसको तैयार करके पियो, पूरे घर को पिलाओ और गर्म पानी का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, मेरी सभी से प्रार्थना है कि फ्रिज का पानी, फ्रिज को बंद ही कर दो। जितने दिन लॉकडाउन का खतरा है उतने दिन फ्रिज को ताला लगा के रखो और सादा खाओ, सादा पहनो, एसी बंद कर दो, तो उसमें कई फायदे होंगे। एक तो हमें यह तजर्बा होगा कि हम बिना उसके भी जी सकते हैं। लॉकडाउन ने दिखाया है कि बिना कार के चलने वाले, जो कार से पैर कदम नहीं रखते थे, वो पैदल चलते। क्यों? उनको पता लग गया कि जीना है तो ये करना पड़ेगा। हमारे सामने मौत दिखाई देती है तो इससे बचाव के लिए हमें पैदल चलना पड़ा तो चलेंगे। यही सबसे बढ़िया तरीका है बचाव का, और इससे अलावा कोई तरीका नहीं। सर, मेरा ना आपसे एक और अहम सवाल है कि जहां लोग खुले में घूमते थे, डर नहीं था, अब लोग 4 दीवारी के अंदर है, घर में है, तो अभी भी खांसते और छींकते तो भी लोगों के अंदर एक भय है, और जबकि लॉकडाउन को वो मजाक समझ रहे हैं। हाँ। और खांसते छींकते समय वो भय किस बात का है? ऐसा है, ये भय मैं कहता हूँ शुभ संकेत है। खांसते छींकते भय रहता है तो वो मुंह पर कपड़ा भी रखे, कपड़ा रखेंगे तो दूसरे से बचाव भी होगा। जो खुद का बचाव करेंगे तो परिवार का बचाव होगा, परिवार का बचाव होगा तो समाज का बचाव होगा, ये पक्की बात है। तो इस नाते से भय होना चाहिए पर उदंड नहीं होना चाहिए।
जगह जगह प्रचार नहीं करना चाहिए कोरोना क्या है या लॉकडाउन क्या है। एक आदमी की बात सुन के चार आदमी और भी ऐसे मिल जाते हैं जो उदंड टाइप हैं, वो भी उसका साथ देंगे। उनको रोकना चाहिए, कोरोना वास्तव में कोरोना है, हमारी इसमें जिंदगी और मौत का सवाल है, पूरे समाज का सवाल है, पूरे देश का सवाल है। अगर हमें अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो स्वाभाविक है कि ये सारे नियम मानने पड़ेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, और ये आज तक ऐसी बीमारी कभी जिंदगी में कभी आई नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ये चीन ने हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए किया है, और ये सारे का सारा दुनिया में फैल गया। आज अमेरिका क्या, दूसरे देश क्या, हिंदुस्तान क्या, सभी के सभी चीन पर उंगली उठाते हैं। ये वुहान से आगे नहीं फैला चाइना में तो, और हमारे ये सारे सभी जगह जगह फैल गया। अमेरिका में तो 70-80 हज़ार लोग मर गए, और चाइना में कुल 3-4 हज़ार लोग मरे। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है चीन। चीन को इस बात के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये निश्चित रूप से। तो अभी हमने मिलवाया आपसे, इन्होंने किस तरह से इस पर शब्दों में कहा कि ये महामारी को मजाक मत समझिए, और जितना इससे बच के रहोगे उतनी आपकी खुद की सेफ्टी है। तो इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का उल्लंघन न करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।